तीन तीन पिक्चरों में काम किया है। किस्मत मूवी भाई 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 एक बहुत तगड़ी चीज है। चुलबुल का भाई आ चुका है, चुलबुल का बड़ा भाई। चुलबुल आजा 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 तेरे को तेरे बड़े भाई से मिलाते हैं। चलो सक्षम भाई आजा। तो भाई अपना सब्सक्राइबर सक्षम, ये लाया अपना ऑस्कर और ये रहा चुलबुल। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई प्यार कर रहे प्यार। ये मोटा है यार, ऑस्कर मोटा है। चुलबुल लंबा हेट में, चुलबुल लंबा हेट में से। चुलबुल एक साल पहले आया था, तब चुलबुल छोटा सा पिल्ला था और ये डर रहा था ऑस्कर से। बट अब आज देखो, आज ऑस्कर डर रहा है उससे। काट दे। अरे अरे भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई अटैक। ओ भाई अटैक फाइट 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 फाइट। चलो रन रन। अब उल्टा 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 आ रहा है। रन 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 रन। अबे क्या कर रहे भाई, इतना प्यार क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? दोनों की पूंछ हिल रही है हवा में। चुलबुल ऑस्कर डर रहा है भाई इस बार। सक्षम इसकी एज क्या है ऑस्कर की? 3 साल का है। अच्छा तो ऑस्कर 3 साल का है और ये 1 साल का है। ये देखो भाई चुलबुल ऐसा हो गया है, चुलबुल मोटा हो गया है। चुलबुल चुलबुल वो कह रहा भाई मैं कौन हूँ फिर। चुलबुल क्या हुआ क्या हुआ? गुड्डा भाई गुड्डा है मेरा गुड्डा। क्या हुआ चुलबुल? तो ना बीगल है, बट बीगल में डिफरेंस ये है कि ये पतला है, ये मोटा है। इसकी लेंथ लंबी पीछे की, इसकी लेंथ छोटी है। ये ऊंचा है और ये हाइट में कम है, बट ये 3 साल का है, ये 1 साल का है। तो जब ये 2 साल का है 3 साल का हो जाएगा तो मोटा हो जाएगा ये भी, बिकॉज जब इनकी एज बढ़ती है तो ये मोटे मोटे होते हैं। इसका मुंह देखो भाई, इसका मुंह बहुत ज्यादा गोल है, इसका लंबा लंबा मुंह है। देखो भाई ये लोग 10th में आ चुके हैं, कल तक 8th में थे। क्या खुला है? खुला है। कल तक 8th में थे, फिर 9th में आए, अब 10th में आए, अब 10th में रहेंगे 2 साल। Hey guys, welcome back to a new vlog. आज के vlog की शुरुआत हो रही है अपने नाश्ते के साथ, जो कि है आलू के पराठे और दही। बटर को दही बोल रहा हूँ मैं। वाह, बाकी यहाँ पे बैठे पापा मस्त नाश्ता कर रहे हैं अपना, और ओम भाई बैठा वहाँ पे। आँख में हो रही है बहुत ज्यादा जलन यार। तो डाल दे एयर ड्रॉप, ले भाई डाल दे यार, एयर ड्रॉप डाल दे और सेंटर में डाल, सेंटर में डाल आके काले काले में। आँख को बड़ी करो कुछ ज्यादा ही। पूरी बोतल डाल दी उसने आग में। पूरी बोतल डाल दी आग में। पागल है यार तू, यार क्या करता है। एक बूंद डालते गधे ने, पूरी 5-6 बूंद डाल दी है। बेसिकली गाइस मैं एक व्लॉगर हूँ, एंड व्लॉगर हूँ तो मुझे इधर उधर बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, एंड इस ट्रेवलिंग में ना मैं अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाता हूँ। और अब तो भयंकर गर्मी आने वाली है, तो भाई स्किन की तो वाट लगने वाली भाई, बिकॉज जो सन की हार्मफुल यूवी रेज हमारी स्किन पर पड़ेगी ना भाई, तो स्किन पूरी टैन हो जाएगी, स्किन पर अनइवन टोन्स आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए भाई मैं तो यूज कर रहा हूँ बाओ स्किन साइंस यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 50। इस सनस्क्रीन को बस अपनी मॉइस्चराइज स्किन पर स्प्रे करना है और आपकी स्किन जो है बिल्कुल तैयार है सन को बीट करने के लिए। दिस सनस्क्रीन कीप्स योर स्किन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन्स हार्श रेज व्हाइल डिलीवरिंग अ डोज ऑफ हाइड्रेशन। इट गिव्स योर स्किन इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन हार्मफुल UVA एंड UVB रेज। इस वाओ स्किन साइंस के यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 50 के जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है रास्पबेरी कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड आलमंड ऑयल। रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट इज रिच इन विटामिन सी एज वेल एज इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। वेयर एज कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रिच होता है विटामिन ए में एंड विटामिन ई में, दैट हेल्प्स टू फाइट साइन ऑफ एजिंग। एंड आलमंड ऑयल हेल्प्स टू मॉइस्चराइज स्किन एंड रिपेयर्स स्किन्स नेचुरल लिपिड बैरियर। अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज दिस सनस्क्रीन स्प्रे। बस आपको इसको अपनी स्किन पर यूज करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, इसको हल्का सा शेक करना है और अपनी स्किन पर स्प्रे करना है, दैट्स ऑल। इट इज नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी एंड नॉन पैची फॉर्मुलेशन, स्प्रेड्स इंस्टेंटली एंड इवनली टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट शील्ड्स योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज एंड पॉल्यूटेंट्स। वेयर एज दिस स्प्रे कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड, इट इज इजी टू कैरी, दिस गिव्स यू इंस्टेंट सन प्रोटेक्शन एनीवेयर एनीटाइम। एंड आई ऑल्सो नो दैट कि आप लोग भी बाहर बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, वेदर इट इज फॉर वर्क, वेदर इट इज फॉर स्टडीज, वेदर इट इज फॉर एनीथिंग, गर्मियों में ट्रेवल कर रहे हो, तो मेरी बात मान लो। अब भी कभी जाके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके इस वाओ स्किन साइंस सनस्क्रीन स्प्रे SPF 50 को अभी के अभी खरीद लो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और अभी कभी खरीदो इस सनस्क्रीन को। दिस SPF इज नाउ योर न्यू BFF, सो बी वाओ नेचुरली। अभी मम्मी अपने पार्लर से लाई है हेयर ड्रायर, और उस हेयर ड्रायर को हम चुलबुल के ऊपर लगा रहे हैं और देखते हैं कि क्या करता है। तो लगा भाई लगा फुल कलर जब ही खुले पूरा थर्ड नंबर पे।
वाह भाई, कॉफी आ चुकी है अपनी। पापा आपसे एक बात कहनी है कि कैसा लग रहा है आपको कि आपका जो बेटा है उसका 1 तारीख को रिजल्ट आएगा फाइनल एग्जाम का, तो वो कह रहा है कि वो फेल भी हो सकता है पास भी हो सकता है, कह रहा है वो। देखो ऐसा ना, अगर वो फेल हो गया तो आप क्या करोगे? फेल हो गया तो उस समय बताएगा क्या करूंगा। अच्छा, अभी कुछ नहीं बोल सकता। मार्क्स कम आया तो बहुत कम, 30% 40%। वो टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि उस वक्त मेरा मूड, मेरा सोच अच्छा किस तरह की। और अगर अच्छे नंबर लिया है, मतलब 80% 90%, तो क्या करोगे आप? मेरे लिए 80% 90% मायने नहीं रखती है। अच्छा, जैसा भी होगा सिचुएशन उस वक्त की, उस वक्त देखी जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं इस, मेरी ब्लेसिंग है कि अच्छे नंबर से पास हो ताकि इसकी बेइज्जती ना हो। कौन देख रहा है 9th के नंबर? ये भी सही, नाइन्थ के नंबर की काउंटिंग वैसे है नहीं, 10th के और 12th के देखते हैं। मतलब अगर 9th में जस्ट पास भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, मैंने ऐसे से बच्चे देखे ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे पढ़ने में, आज पैदल है। और हमारे से पैदल जो उस वक्त थे वो हम कहाँ कहाँ होकर के आगे। देखो अच्छा ना, तो समझ वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल बच्चा भी बहुत बड़ा अचीव करवा आईएएस बन सकता है। और पापा आजकल इसको एक्टिंग का शौक चढ़ चुका है। पहले था क्रिकेट का शौक, फिर आया सिंगिंग का शौक, फिर आया रैप का शौक, अब आ चुका है एक्टिंग का शौक। भाई वो सबको हॉबी बोलते हैं शौक। अब कह रहा मुझे बड़ा एक्टर बनना है। ऐसा अगर एक्टिंग वाला अगर इसके अंदर टैलेंट आ रहा है ना, तो क्योंकि मेरे वाले गुण अभी तक तुम्हारे अंदर किसी के अंदर नहीं आए। कौन से गुण? जो मेरे अंदर जो थे। क्या गुण था? बस मैं भी तो एक्टिंग में एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। बड़ा 3-3 पिक्चरों में काम किया है। 3-3 पिक्चरों में वो पिक्चर है, कहा है आज तक नहीं बता लगा। किस्मत पिक्चर लगा ले, किस्मत पिक्चर लगा ले गोविंदा की। हाँ। गोविंदा करी मेरी राखी। हाँ। और सारे एयरपोर्ट का सीन होगा उसमें, दिखा दूंगा तेरे को। देख गोविंदा के साथ में एयरपोर्ट में देखा भी देख। अच्छा, लगा किस्मत लगा तो सही। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है कि पापा बेसिकली 3 पिक्चर में थे शायद। 3 पिक्चर में थे खाली, शूटिंग में जाते थे तो, लेकिन पिक्चर में है बस। पिक्चर में होगा सर। और मेन एक्टर भाई, मेन एक्टर। वो स्ट्रगल टाइम था मेरा। और लेकिन तो आप मुंबई गए होते, आप मुंबई गए होते एक्टर बनने के लिए? हीरो नहीं यार है। चलो आज हीरो बनी गया, व्लॉग में आ रहे हो, व्लॉग के हीरो तो ही। अच्छी बात है, व्लॉग में मैं अपना सिंगिंग विंगिंग कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बेसिकली गाइस, मैंने बहुत साल पहले पापा की 3 पिक्चर देखी थी, मतलब पापा की 3 पिक्चर के मतलब वो 3 पिक्चर देखी थी। हाँ, जिस सीन में है मैंने वो देखे थे। हाँ, प्रॉपरली यहाँ पर 3 सीन में दिख रहे हैं, तो वो देखते हैं। चलो अभी दिखाता हूँ आपको मैं। किस्मत मूवी का नाम किस्मत है गाइस, जिसमें पापा ऐसा दावा कर रहे हैं। वहाँ जाकर दिखाना पड़ेगा ना, तुम पैदा नहीं पाओगे। वहाँ जाके दिखाऊंगा ना मैं, तुम पैदा नहीं पाओगे। एक सेकंड का सीन है ना। अच्छा। निकल जाओगे कहीं तो भी ढूंढ देने जाओगे। अच्छा ये क्या था, ये क्या था भाई? निकल गया बेटा, अगर एक तुम्हें यू भी कर लिया ना, यू भी कर लिया, निकल गया तो फिर ढूंढ देने जाओगे। मिलू मारी पूरी पिक्चर में, पूरी पिक्चर में कई लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक बार की स्टोरी सुनाओ, 2 मिनट की ले लो। यहाँ सब जगह हल्ला फैल गया कि ललित पांडे वहाँ पिक्चर में काम कर रहा और अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं। लेकिन गोविंद मेरे को विनोद खन्ना के साथ अच्छा काम मिला था। हाँ। बहुत अच्छा काम मिला था। हाँ। शूटिंग भी अच्छी हुई थी। तो यहाँ फोटो आ गई, यहाँ फोटोग्राफ। अच्छा। जो फोटो तेरे को दिखाई मिला भी है। हाँ। जो भी तेरे को दिखा रहा हूँ, तो फोटो यहाँ लोगों ने देखे तो लोगों को ये पता चल चुका कि मैं पिक्चर में हूँ। अब पिक्चर इनामिनाटी का पिक्चर का नाम था, इनामिनाटी का। अब पिक्चर रिलीज होगी, पिक्चर रिलीज होगी तो लोग यहाँ सब लोग चले गए हॉल में देखने के लिए। सब लोग गए पिक्चर देखने, पिक्चर देखने हॉल में गए। ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे? कैमरा पकड़ एंगल लेने के चक्कर में गाइस, मैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हूँ। अब लोग चले गए पिक्चर देखने। अब वहाँ देखा तो पिक्चर, हमने पिक्चर देखी तो वहाँ हम दिखी नहीं, दिखे नहीं गए किसी को। सीन कट गया हमारा, सीन ही काट दिया। अब क्या हुआ, सीन कट गया तो अब चाय की दुकान वाले बगल में सामने सब लोग मिलते थे। मैं भी आया था मुंबई। अरे यार पांडे जी, आपको अपने पिक्चर को देखा, आप दिखे नहीं कहीं भी। दो बार पिक्चर देखनी पड़ी तुम्हारे चक्कर में। तो चाय वाला तो क्या करा, वो दुकान वाला, जो दुकान वाला था वो करा, अरे यार मैं तो एक ही बार देखी, मुझे दिख गए। अब वो लोग परेशान, वो करे कहाँ दिखे। तो चाय वाला करा, भाई वो विनोद खन्ना को देखा जो कट्टे लेके जाता है कंधे में, 2 कट्टे थे कंधे में, करा हाथ है, एक कट्टे में पांडे जी बंदे थे। तो गाइस लगाते हैं किस्मत पिक्चर और देखते हैं कि कहाँ है पापा उसमें। 0.0001 सेकंड का सीन है गाइस।
तो भाई ये रही सामने पिक्चर गोविंदा की, बीच में पापा की फोटो लगी पोस्टर में। और ये मत बोलना पापा मेरे, ये आप नहीं होकर के बेटा, उसको मैं बहुत हैंडसम था याद रखना। तो देखते चलो, इस पिक्चर में कितने साल के थे आप? पिक्चर में मैं हूंगा 22-23 साल का। अच्छा अच्छा, सहार एयरपोर्ट का सीन था। सहारा एयरपोर्ट कहाँ का है? मुंबई का। मुंबई सहारा एयरपोर्ट शूटिंग वहां हुई थी। सहारा एयरपोर्ट जो भी है, सहारा एयरपोर्ट। रेडियो भाई, रेडी भाई, ये है पापा। यू करके देखना, नहीं तो निकल जाऊंगा। यू करके देखना, देखिए यहाँ देखे, ये यू करके देखना है। अब देख, यू करके देखेंगे। अभी इसको लो, कहाँ चले गए तुम? ये है पापा गाइस, आप देख सकते हो। किस्मत पिक्चर में किस्मत से पापा हमको दिख गए। ये है चश्मा, और उस टाइम में बाल देख सर में, और क्या पर्सनालिटी देख। अब ये इसी ने बेटा स्ट्रगल टाइम था, जा रहा था मैं, और ये गोविंदा है, ये सुरेश ओबरा, ये राखी है, और ये मैं खड़ा हूँ देखो। लेकिन लोग पहचानोगे, अभी फोटो भी लूंगा, फोटो लूंगा मूवी के बीच में। तो पापा अपनी मॉडलिंग रैंप वॉक करके निकल गए। ये कितना स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट बच्चा था। पतले बहुत पतले, बहुत पतले। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ओ भाई साहब, अरे भाई का चौड़ में घूम रहे, चौड़ में घूम रहे। और दूसरी मूवी है क्रांतिवीर, और उसमें पापा कोर्ट केस में, कोर्ट केस में नहीं, मतलब कोर्ट में डिम्पल कवाड़िया का कुछ केस है, और मैं कोर्ट में बैठा हुआ आराम से। ऑडियंस में, मेरे को लगा कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ऑडियंस में बैठा, मैं जाता था, देखता था, समझता था नजदीक से कि कैसे शूटिंग होती है, क्योंकि मुझे भी इसी फील्ड माना था। लेकिन वहां पर जब मुझे बात पता चला कि बहुत स्ट्रगल है, एक कंधे में हाथ चाहिए पीछे, शाम को एटलीस्ट रोटी तो बना के कोई खिला दे, रहने की तो व्यवस्था हो। ये तब आप वापस आ गए? वापस नहीं आगे, मैं अपना फिर, मेरे को बहुत सारी लंबी स्टोरी है भाई, ब्लॉग बन जाएगा, घंटे का भी बैकग्राउंड में जाकर तो बहुत बन जाएगा, बहुत एक घंटे का। ये आ गई, ये आ गए भाई। नाना पाटेकर के साथ, अरे भाई साहब, ये रे बाप। तो ये है सामने डिंपल कबाड़िया। पापा ही खड़े हैं इधर। मुंडी ला रहे अपनी, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से, जबकि फोकस में है ही बाबा। ये बैठो देख, बाल देख, बाल सर में देख भाई, देख ये हो ना, हाँ ये हो देख। अब इसको थोड़ा क्लियर, बंदे हो रहे यार। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदालत अपना फैसला सुनाए। डैनी भी है, डैनी भी है। ये देख, ये देख, ये देख, हाँ अब देखते पापा का डांस, ठीक है। इना मीना नीन क्या था वो था बंदिश पिक्चर में, और शिल्पा सरोवर का डांस कर रही है, और नीचे मैं डांस कर रहा हूँ। गाना कौन सा था? मैं हो गई 18 साल की, डांस आ गया, डांस आ गया, डांस आ गया, डांस आ गया, ऐसी कर रखा, ऐसी कर रखा, ऐसी कर रखा। कहाँ हो? एक घंटा हो गया, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। दिख भी नहीं रहा। ये ले, ये ले। ताऊजी, ताऊजी, और ये मैं हूँ, देख, ये ले, ये ताऊजी देख, ये मैं हूँ, देख, ये देख, ये मैं हूँ, देख, नजीला, नजीला, ये देना, ताऊजी, ये ताऊजी देख, ताऊजी, ये मैं हूँ, देख, ये ताऊजी देख, बहुत धुंधला दिख रहा है यार। और ये मैं हूँ, देख, ये देख, पिक्चर में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। अगर दम है तो पापा तो पिक्चर में आए हैं, तू मेन रोल में आना तो मारूंगा तेरे को मैं। बहुत जल्दी आएंगे मेन रोल में। तो यहाँ पे बन रही है चुलबुल की दवाई, और ऐसा ना, हमको तो सपोर्ट भी था, लेकिन अगर आज तुम पिक्चर में आना चाहते हो ना, तो वो रास्ता मैं दिखा सकता हूँ बेटा, कैसे फिल्म में आना सही है। लेकिन तो अंदर टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ टैलेंट हमारा तो, आपको तो काम मिल रहा था वहाँ। हमारे पास टैलेंट था, मेरे को तो ये डेविड धवन जी ने बोला कल, कोट एक कोट पहन के आना, आपको टाई पहन के आनी है, सूट पहन के आना पूरा, एक प्रॉपर अच्छा सूट पहन के आना, सूट था ही नहीं। अरे कहाँ से लेते सूट, था जेब में पैसे नहीं थे, सूट नहीं था, तो बहुत सारी दिक्कत आई ना रास्ते में। ब्लॉग को एंड, सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट डे हो चुका है, और ब्लॉग इतना लंबा बन गया कि क्या बताऊँ आपको मैं। आपने देखा कि पापा जो थे बॉलीवुड मूवीज में भी आए हुए हैं, और ये था कि पापा का सपना था कि पापा एक्टर बने, और ब्लॉग में आ रहे, सब लोग जान रहे,
तो पापा का सपना एक तरीके से पूरा हो गया, लेकिन अभी इसको शौक चढ़ रहा है एक्टिंग करने का, तो क्या पता ये बन जाए एक्टर और सपना पूरा कर दे पापा का। बाकी तो अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड, अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया, चेहरे पे स्माइल है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन, कल सुबह तैरना, तब तक के लिए बाय बाय।